हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं जाने वाला हूँ द कॉन्जरिंग हाउस में, जो कि एक हॉन्टेड हाउस है। वहाँ जाके मुझे मिस्ट्री सॉल्व करने होंगे, डेविल को मारना होगा और अपनी सिस्टर को भूतों से बचा के वहाँ से एस्केप करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि मैं कर पाता हूँ या नहीं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये मैं कहाँ गया और ये मेरे हाथ में चमकीली सी बुक क्या है? चलो आगे जाके देखता हूँ। ये क्या जलने लगा नीला नीला? इस साइड भी जलने लगा। इतनी डरावनी आवाज कहाँ से आ रही है? ये आगे कुछ तो हो रहा है डेविल के फोटो के पास। मुझे लगता है ये इस डेविल के फोटो के पास जाना है, पर एक मिनट, इसके पास गया तो कहीं वो सच में सामने ना आ जाए। भाई मेरे को डर लग रहा है जाने से, पर जाना तो पड़ेगा। चलो हिम्मत करके जाता हूँ। यहाँ पर आ गया। ये क्या यहाँ से रॉकेट निकला? मैं तो गड्ढे में घुस गया कहीं पर। ये अंधेरी वाली जगह कहाँ पर है? अरे भाई, ये मैं कौन से सुनसान रोड में आ गया हूँ? और ये मेरे यहाँ आते ही कौवे आवाज निकालने लगे। मूव टूवर्ड्स यूअर हाउस। अरे पर मेरा हाउस कहाँ, ये तो बता देते मुझे। चलो सबसे पहले तो मैं यहाँ से आगे बढ़ के देखता हूँ। अरे यहाँ पर ये आवाज कहाँ से आ रही है? मेरे को लगता है इसके अंदर भूत लोग डिस्को डांस कर रहे हैं। चलो ठीक है, तुम लोग अंदर डिस्को डांस करो, मेरे सामने मत आना, मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। यहाँ पर मैं कहीं तो पहुँच गया हूँ। यहाँ पर बड़ी सी एंट्रेंस बनी हुई है, अंदर जाके देखता हूँ। यहाँ पर कुछ तो बना हुआ है, यहाँ पर ये आदमी भी है। ओ भाई साहब, अरे भाई साहब, ये तो अपने ऊपर बिजली गिरवाता है। मेरे को लग रहा है ये तो भूत है। मेरे को यहाँ से जल्दी से भागना चाहिए, ये घर सही लग रहा है। इस घर के अंदर जाके सूख जाता हूँ। हेलो, कोई है इस घर में? हेलो, इधर जाके देखता हूँ। अरे इस घर में तो एक आदमी है। हेलो भाई साहब। ओ यहाँ पर ये क्या लटक रहा है, ये भूत है क्या? इसको मेरे दूर रखो, मेरे को डर लग रहा है। भाई मैं यहाँ पर कहाँ आ गया? यहाँ पर दो आदमी खड़े हुए हैं इस भूत के साथ। हेलो, इसे नीचे उतारो हवे से, नीचे गिर गई तो मर मर जाएगी। ओ ये तो मेरे तरफ देख रहा है। भाई मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, वरने यहाँ के मेरे को घूर के देखे जा रहा है ये। उधर देख, उधर दो आदमी और हैं, उन लोगों को देख। इसके अंदर तो आग लग गई। भाई मेरा सर भी उड़ा दिया उसने। मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, मेरे को यहाँ से जल्दी से भागना चाहिए। ये तो मेरे पीछे आ रही है, तो मुझे ही मारने आ रही है। भाई उसने मुझे मार दिया। चलो रिस्पॉन करता हूँ। अरे ये मैं कहाँ आ गया? सब तरफ लाल लाल ही दिख रहा है मुझे, और इधर बहुत आग लगी हुई है। इधर जाके देखता हूँ। अरे यहाँ तो आर्मर वार्मर रखे हुए हैं, शॉर्ट भी है, हेलमेट भी है, आयरन चेस्ट प्लेट भी है, वो भी नेदराइट। भाई मेरे तो मजे ही हो गए। ये सब पहन के मुझे भूत को मारने जाना है। ओके, मैं ये सब पहन के जाऊंगा ना भूत को मारने के लिए, तो मुझे भूत से बिल्कुल भी डर नहीं लगने वाला है। ओके, तो मैं ये सब चीज ले लेता हूँ। ओके, ये सब बैरल में भी कुछ कुछ चीजें हैं। ओके, पोर्शन ऑफ हीलिंग। और ये सब चीजें मैं पहन भी लेता हूँ। ये हेलमेट पहन लिया, ये आयरन चेस्ट प्लेट भी पहन लिया। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। अब यहाँ से आगे जाके देखता हूँ कि आगे है क्या। यहाँ पर तो आग लगी हुई है। भाई यहाँ पर आग किसने लगाया? इस साइड जाने का रास्ता नहीं है, ये रास्ता बंद है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे यही रास्ता खोल के जाना होगा। इस साइड भी बहुत सारा आग है। ओ यहाँ पर एक बटन है। अरे ये बटन मेरे को बहुत ही ज़्यादा जल्दी दिख गया यार। जिसने भी ये बटन यहाँ पर लगाया था ना, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे को ये बटन इतनी जल्दी मिल जाएगा। ओके, तो बटन दबाने से क्या हुआ? अरे वाह, यहाँ पर का तो रास्ता खुल गया। लगता है मेरे को इसी के अंदर जाना है। वो इधर तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है और आगे में गेट भी लगा हुआ है। यहाँ पर से इतनी डरावनी आवाज़ कैसे आ रही है? इधर भूत ऊत तो नहीं? मेरे को आगे जाने से डर लग रहा है, पर कोई नहीं, मेरे को आगे जाना ही पड़ेगा। क्या हुआ, ये गेट कैसे टूट गया? यहाँ पर कोई तो खड़ा हुआ है, बाबा डुक। कहीं यही तो बाबा डुक नहीं है? मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला, मार के टट्टी निकाल। ऐसे भूत होते हैं क्या माइनक्राफ्ट में? मारो, ले मर जा मर जा। ओ उसकी हेल्थ कम हो रही है, उसकी हेल्थ कम हो रही है, पर मुझे भी ये मारने के लिए मारने पा जाएगा लग रहा है मेरे को। उसकी हेल्थ कम हो रही है। ओ मेरे को मार दिया यार, बस वो मरने ही वाला था।
अच्छा ओके उसकी हेल्थ अभी उतनी की उतनी ही है, हेल्थ उसकी नहीं बढ़ी है, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। इसको मर जाए फिर से बैक कर दूंगी, मर जा। ओ, इसकी हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो गई है, अभी इसको बस थोड़ा सा और मारना है मुझे, फिर ये मर जाएगा। खत्म। ये बाबा डुक मर गया और इस बाबा डुक को मार के एक बुक लेनी थी जो कि शायद मेरे को मिल चुकी है, और इस बुक को यहाँ पर ले जाना है और ये लीवर दबाना है। ये लीवर दबाने के बाद कुछ तो हो रहा है। ओ, यहाँ पर से एक रास्ता खुला है, चलो तो चलो चलते हैं इसके अंदर। ये यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? मैं कौन सी अंधेरी जगह पर आ चुका हूँ? यहाँ पर कैंडल लगे हुए हैं, नीचे में ब्लू वाली आग भी लगी हुई है, इधर सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। यहाँ सामने में रास्ता है पर ये रास्ता आगे से बंद है, इस साइड भी रास्ता है पर ये रास्ता बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। मुझे तो डर लग रहा है कि कोई भूत अचानक ना आ जाए मेरे सामने। भाई मैंने भूत का नाम लिया और भूत मेरे सामने आ गया। हट गया यार, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया हूँ, ऐसे ही कोई और भूत ना आ जाए मेरे सामने। मेरे को लगता है इस जगह से मेरे को बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। 5 hours later मैं बहुत टाइम से रास्ता ढूंढ रहा था और वो रास्ता मुझे मिल चुका है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है और तुम लोग सामने देख सकते हो कि एक गेट भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इन सब आग से बच के धीरे धीरे यहाँ से ऐसे निकलना होगा। अरे यार आग लग गया, म्यूजिक आग लग गया। मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं भाई, बच्चा मर ना जाऊं, मर ना जाऊं भाई, मारूं। ये मैं गेट ऐसे खोलता हूं और देखता हूं कि इस गेट के पीछे है क्या। ओ, वहां पर एक चेस्ट रखा हुआ है। मुझे बाहर जाने में बहुत ज्यादा डर लग रहा है पर मेरे को यहाँ से बाहर जाना ही पड़ेगा। सबसे पहले उस चेस्ट में जाके देखता हूँ कि उस चेस्ट में है क्या। ये चेस्ट खोल के देखता हूँ, इसके अंदर टोटेम ऑफ अनडाइंग है, इसे रख लेता हूँ, शायद कुछ काम आ जाए मेरे बाद में। अब यहाँ पर मेरे को करना क्या है? डेविल आएगा 1 मिनट के अंदर। अरे भाई डेविल आएगा तो मैं यहाँ से जल्दी से भाग जाता हूँ। ओ भाई तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर डेविल की बहुत बड़ी स्टैचू बनी हुई है, ये सच में बहुत बड़ी है। इस साइड में भी एक बनी हुई है। ओ डेविल आने वाला है, डेविल आने वाला है, ये डेविल आ चुका है क्या? यही डेविल है? पर ये भैंसे जैसा क्यों दिख रहा है? ये तो बहुत बड़ा है, मैं इसको कैसे मारूंगा? ये दौड़ते हुए मेरे ही पास आ रहा है, मैं जल्दी से इसके अंदर घुस जाता हूँ। हाँ इसके अंदर ये नहीं घुस सकता और मैं इसको यहाँ से आराम से मार सकता हूँ। ये ले ये ले ये ले, क्या डेविल है तू, हाँ मेरे को मार भी नहीं पा रहा है। ये ले ये ले ये ले, मैं इसे कब से मार रहा हूँ और ये मुझे छू तक नहीं पा रहा है। तो इसने मुझे मारने के लिए अपने बच्चे को भेजा है, जब तेरा बाप मुझे नहीं मार पा रहा है तू मुझे कैसे मारेगा? ले। अफसोस मुकेश बच नहीं सका। मैं इसे कब से मार रहा हूँ और इसको डैमेज बहुत कम हो रहा है, ये सच में डेविल है यार। ओके गाइज इस डेविल के पास बहुत ही कम हेल्थ चाहिए, डेविल बहुत ही जल्दी मरने वाला है। लो ले ले भाई, मर जा तू, कितना जिएगा। ओके गाइस फाइनली मैंने इस डेविल को मार ही दिया। यार सच बताऊं तो इस डेविल को मारने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा टाइम। इस स्वॉर्ड से उसे कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा था, बहुत कम डैमेज हो रहा था उसको। यहाँ पर से एक सीढ़ी है और मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे इस सीढ़ी से ऊपर जाना चाहिए, हाँ जाना चाहिए। ओके तो मैं यहाँ पर कहाँ पर आ चुका हूँ, मेरे को थोड़ा इधर उधर देखना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे बैरल्स रखे हुए हैं, इन बैरल्स के अंदर क्या है? पोर्शन ऑफ वीकनेस, हॉली वाटर। ओके तो मैं दोनों चीज़ें अपने साथ रख लेता हूँ और मुझे ये भी पता चल गया कि इन दोनों को यूज़ कहाँ करना है। इन दोनों को मुझे मेरी कज़न के ऊपर डालना है, पर मेरी कज़न है कहाँ? अच्छा तो उसे इस रूम में बंद करके रखे हुए हैं। ये लीवर दबाता हूँ। ओ नो, लीवर दबाते ही बाहर आके उसने मुझे ही मार दिया। ओके मेरे पास पोर्शन ऑफ वीकनेस और हॉली वाटर तो है ही, अब मैं अंदर जाके देखता हूँ। ओ तो यहाँ पर खड़ी हुई है वो, तुम लोग देख सकते हो कि वो घोस्ट की तरह दिख रही है, पर जब मैं ये उसके ऊपर डालूंगा तो नॉर्मल हो जाएगी। ये मैंने डाला, ये भी मैंने डाला। ओके अब वेट करते हैं। यस यस, मेरी कज़न नॉर्मल हो चुकी है, अब मुझे यहाँ से एस्केप करना होगा इसके साथ। शायद इस गेट से ही है यहाँ से एस्केप करने का रास्ता, हाँ यहीं से हम लोग एस्केप कर सकते हैं। तू मेरे साथ आ रही है? नहीं आएगी? जा तू वापस भूत बन जा भाई, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ।